ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित वाल्मीकि रामायण पर आधारित संगीतमय रामकथा का शनिवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि गोरक्षपीठ के पूर्व आचार्यों की पुण्यतिथि के अवसर पर मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष की भांति लोक मंगल हेतु कथा का आयोजन हुआ है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी तकनीक के माध्यम से राम कथा को लगभग 6 लाख लोगों ने देखा व सुना, यह प्रसन्नता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई चुनौती आवे तो यह मानकर चलना चाहिए कि कोई बहुत अच्छा कार्य होने वाला है व किसी बड़े कार्य की शुरुआत में कोई बड़ी बाधा आती ही है। उन्होंने कहा कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण एक नए युग की शुरुआत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुकूल भारत की यश और कीर्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम भी यह मंदिर निर्माण ही है। भारत के स्वाभिमान व सम्मान तथा गौरव को दुनिया के सामने रखने का एक अवसर भी यह मंदिर निर्माण प्रदान कर रहा है। गोरक्षपीठ के पूज्य दोनों आचार्यों ने भी अपने जीवन का ध्येय राम जन्मभूमि मुक्ति को ही चुना। कथा में कथा व्यास अनंत स्वामी रामानुचार्य राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि राम नाम का संकीर्तन करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते हैं। परलोक में यदि संदेह हो तो भी पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मरणोपरांत यदि परलोक रहेगा तो यही पुण्य काम आएगा। संपूर्ण संसार की शरणागति भगवान के श्री चरणों में ही होती है। भगवान श्री राम का चरित्र इसी आदर्श की स्थापना करता है। उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाने के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभु श्री राम का नाम ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, क्योंकि रघुनंदन भगवान श्री राम के कृपा से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। संपूर्ण कथा का श्री गोरक्षनाथ मंदिर के फेसबुक पेज एवं यूट्यूब व गोरखपुर न्यूज़ चैनल और गोरखपुर न्यूज़ के यूट्यूब फेसबुक पेज एवं ट्विटर हैंडल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया।
वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये घटना रास्ते में हुई। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार तो धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए। सुनि शिव धनु भंगा आए रघुकुल कमल पतंगा। धनुष टूटने का समाचार सुनकर के परशुराम जी वहीं पहुंच गए जनकपुर। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी ने सोचा विवाह के बीच में परशुराम जी को बुलावें और ये कचकच करें वहां ठीक नहीं, सब विवाह हुआ हो जाने तो फिर रास्ते में मिल जाए तो ठीक। और परशुराम जी को रास्ते में मिलाया, ये वाल्मीकि रामायण की कथा। इस कथा को भी गोस्वामी जी ने स्मरण किया है अपने जानकी मंगल ग्रंथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पंथ मिले भृगुनाथ हाथ परसा लिए, डांट दिखा वही आंख कोप दारुण किए। पंथ मिले भृगुनाथ, रास्ते में श्री परशुराम जी मिले।
और कहां पर मिले? हमारे संत जन कहते हैं इसी गोरखपुर जनपद में सरयू जी के तट पर एक जगह है जिसका नाम है दोहरी घाट। दोहरी घाट है ना, उसका नाम दोहरी घाट क्यों है? बोले दो हरि एक जगह पर मिले, एक भृगु नंदन राम एक दशरथ नंदन राम, दो राम दो हरि का जहां पर मिलन हुआ उसी का नाम दोहरी घाट है। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई कोप दारुण किए, बड़ा कोप किया परशुराम जी। परशुराम जी आकर के खड़े हो गए राम जी के सामने, दशरथ जी ने प्रणाम किया लेकिन उनके प्रणाम का उत्तर उत्तर नहीं दिया परशुराम। राम जी के सामने आए खड़े हो गए, बोले राम दशरथे वीर्य, हे राम दशरथ नंदन वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम, तुम्हारे पराक्रम को मैंने सुना है, धनुषो भेदनम चैव निखलेन मया श्रुतम, आपने मिथिला में धनुष तोड़ा ये सब वृत्तांत मैंने सुन लिया, कोई भूमिका नहीं, सीधी सीधी बात। परशुराम जी कहते हैं सब मुझे मालूम है, अब मैं अपने संदेह का निराकरण करने आया हूं। राम जी ने कहा क्या संदेह? परशुराम जी ने कहा जिस धनुष को आपने तोड़ा है उस धनुष को कोई मनुष्य कोई देवता यहां तक कि कोई दिव्य पुरुष भी उस धनुष को उठा नहीं सकता, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, मुझे संदेह हो रहा है आप नर नहीं हैं, आप नारायण हैं, लेकिन मेरा जो संदेह है ये दूर हो जाए मैं चाहता हूं कि उसी धनुष के समकक्ष ये दूसरा धनुष है, इसका नाम है परपुरंजय, पिनाक धनुष को आपने तोड़ा और ये परपुरंजय धनुष जो है मेरे पास है, इस धनुष पर भी आप डोरी चढ़ा दो, इस पे भी बाण का आरोपण आप कर दो, मेरा संदेह दूर हो जाए। और परशुराम जी ने कहा इस धनुष का इतिहास क्या किया? परशुराम जी ने कहा एक बार देवताओं में बहस चल रही कि दो देवताओं में कौन बड़े, भगवान शिव और भगवान विष्णु, देवताओं ने कहा दोनों आपस में लड़ जाए जो जीत जाए वो बड़ा, तो देवता भी बड़े विचित्र बैठे रहते कुछ करते, देवताओं ने अपना दोनों में युद्ध करा दिया और युद्ध के लिए धनुष बनवाया, तो शिव जी ने जो धनुष किया उसका नाम पिना और विष्णु ने जो लिया उसका नाम पर। युद्ध के बाद दोनों धनुष पिनाक को महाराज देवराज को दे दिया संकट जनक जी के पूर्वज जो जनक जी किया, और परपुरंजय धनुष जो था वो भगवान विष्णु ने भृगु जी को दे दिया और भृगु से वो धनुष ऋजिक को प्राप्त हुआ, ऋजिक से चंद्रग्नि को प्राप्त हुआ, चंद्रग्नि से परशुराम जी को। परशुराम जी ने कहा इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दें मेरा संदेह दूर, और परशुराम जी को धनुष राम जी को देना चाहते थे तब तक धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। कितना रहे बस मेरी दिल की कामना है, इसी भाव से यहाँ मैं आता हूँ और आने पर मेरा भाव ऐसे आंखों में आंसू आ जाते हैं, महाराज जी को देख करके कितनी ऊर्जा है महाराज जी के अंदर, कब कहाँ और सारे कार्यक्रम करते हुए और हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे पर सिकट नहीं, कितनी ऊर्जा के स्रोत हमको मंगल कामना करते हैं, इसी प्रकार सदैव आपकी अभिवृद्धि होती रहे, आपकी यश की भूमिका नाम संवर्धन होता रहे, विजयी हो गयी हो और आपका स्नेह हम सभी संतों को प्राप्त होता रहे, बस इसी मंगल कामना के साथ इस सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं और श्री वाल्मीकि के चरणों को प्रणाम करके उषा में उसी दर्शन को प्रणाम करके सभी महापुरुषों को प्रणाम यहाँ तक के सत्य महापुरुष आए सबके चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए अंत में श्री महाराज जी को भी प्रणत निवेदन करते हुए यहीं पर अपने वाचन को विराम देते हैं, आगे महाराज जी का उद्बोधन श्रवण करेंगे, उनका आशीर्वचन श्रवण करेंगे और आगे का जैसा हमारे दर्शन होगा कार्य करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। कथा के समापन में मर्यादा है इसलिए दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें, त्रिभुज महाराज जी का उद्बोधन।
के माध्यम से इसको जोड़ने का कार्य हुआ
उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन का आनंद लिया था और ये कथा निरंतर चली, श्रद्धालुजनों की संख्या बढ़ती गई और आज जब साप्ताहिक आयोजन के इस समारोह के कार्यक्रम के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, आज ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। प्रातःकालीन सत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जिसकी स्थापना 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए भारत के मूल्यों और आदर्शों के रूप शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। उस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा प्रातःकालीन सत्र में अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल ब्रह्मलीन महंत तवेतीनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि, आज कथा का विराम है और कथा के विराम के साथ ही कल साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम के साथ संपूर्ण आयोजन को भी विराम मिलेगा। मैं सबसे पहले गोरखपीठ की ओर से, गोरखपुर के श्रद्धालुजनों की ओर से विगत 7 दिनों से अपने श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा का आनंद गोरखपुर वासियों को प्रदान करने के लिए कथाव्यास जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार भी निवेदित करता हूँ। उन्होंने विगत वर्ष ही गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को यहाँ पर पावन कथा सुनाने में उनका यहाँ पर सहयोग मिला था और पूरी श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने यहाँ के श्रद्धालुजनों की भावनाओं के अनुरूप पुण्यतिथि के इस आयोजन पर इस कार्यक्रम में सहभागी बने। मैंने उद्घाटन सत्र के समय भी कहा था ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। याद रखना, जब कोई बड़ी चुनौती आए तो मान के चलिए कि कोई बड़ा अच्छा काम भी होने वाला है, यानी कि किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में कोई बड़ी बाधा होती भी जरूर दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का शुभारंभ यह एक नए युग की शुरुआत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भारत की यश और कीर्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम, भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान और भारत के गौरव को दुनिया के सामने रखने का एक अवसर भी यह हमें प्रदान कर रहा है। गोरखपीठ के आचार्य द्वय ने, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने भी और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने भी अपने जीवन का ध्येय बनाया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए और राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए। आचार्य कथा यहाँ पर विराम की ओर है, मैं बधाई दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा कथा व्यास जी का। पहले कथा व्यास हैं जो कोरोना कालखंड में जिन्होंने भगवान राम की इस पावन कथा का मैं के लिए अपनी सहमति दी और कोरोना कालखंड में भी सफलतापूर्वक कथा को आज मैं संपन्न यहाँ पर करने जा रहे हैं। कथा सुनाओं की ओर है सचमुच बेगर दैवीय शक्तियों की कृपा से संभव नहीं हो सकता। कृपा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सीन कृपा तो हम सब पर है ही। गोरखपीठ के उन सभी पूर्व आचार्यों का, पूज्य संतों का, भगवान गोरखनाथ जी का स्वयं का आशीर्वाद हम सब के ऊपर है कि हम लोग इतनी सफलतापूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने में पूरी तरह सफल हो रहे हैं और आज साप्ताहिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपनी पूर्णांति की ओर जा रहा है।
अयोध्या धाम से ही पधारे महंत भक्तदास महाराज भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये दोनों पूज्य संत यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। 1949 में जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रकटीकरण होता है तो वहां पर तीन संतों की जोड़ी उपस्थित थी। प्रमलिन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे, बाबा हरि रामदास जी महाराज मौजूद थे और श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज वहां पर मौजूद थे। और आज गोरखपीठ में इन तीनों पीढ़ियों का एक बार फिर से आपस संगम हुआ है। इस सदी की सबसे भीषण लड़ाई
जिस लड़ाई के माध्यम से हमें ये कैसे वायरस से लड़ना है, कैसे सबको से लड़ना है जो अदृश्य है, जो हमें चारों ओर से हमला करता है, हमारी दिनचर्या पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी आर्थिक व्यवस्था पर, हमारी आस्था पर, हर एक स्तर पर ये हम पर हमला करता है। और अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस लड़ाई में हम सबको पूरी सावधानी रख करके पूरी मर्यादा के साथ शासन की गाइडलाइन के अनुसार अगर हम कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित ही कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा और भारत की इस लड़ाई में हम सब विजयी बनकर के जिस पथ का अनुसरण वर्तमान में भारत ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जिस दिशा में अग्रसर हुआ है, हम सब उस दिशा में प्राण प्रण से जुड़कर के सज्ञान के साथ उठेंगे। आप सबकी भक्ति में इस अवसर पर एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पावन कथा भगवान राम के रूप आप सबकी यश और कीर्ति को चारों ओर फैलाने का कार्य करेगी। मैं कथा व्यास जी की प्रति उनके साथ आए हुए सभी जितने भी इस कथा के सहयोगी पात्र हैं उन सबके प्रति भी हृदय से एक बार गोरखस्पीड की ओर से साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और वाणी को यही विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री रघुनाथ
श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः।